तो हेलो दोस्तों, अभी हम सो करके उठे हैं और आपने कल तक देखा डे वन में सारी चीज़ें, और आज डे टू स्टार्ट हो रहा है अयोध्या से। बट अभी थोड़ी सी ट्रेन लेट है, तो अभी भी हम अयोध्या पहुँचे नहीं हैं और ट्रेन में ही हैं। और हमें यहाँ पे देख सकते हैं सर्व कर दिया गया है मॉर्निंग में टी, भाई साहब देख सकते हैं। तो हम लोग अभी चाय पीते हैं, उसके बाद हम लोग को ब्रेकफास्ट भी सर्व होगा तो भी दिखाएंगे। और अभी हम जस्ट उठे हैं शो करके, तो चलते हैं ब्रश कर लेते हैं, फिर चाय पियेंगे, उसके बाद भाई आगे का सारा चीज़ आपको दिखाएंगे बैक टू बैक। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और डे टू में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारी ट्रेन अयोध्या पहुंच चुकी है और यहाँ पे ब्रेकफास्ट चालू हो चुका है ट्रेन के अंदर। तो भाई हम अभी सो के उठे हैं, तो चलते हैं ब्रश कर लेते हैं, और ब्रश करने के बाद चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें को दिखाएंगे। पहले ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं, चाय पिया अभी थोड़ी देर पहले और थोड़ा सा मूड फ्रेश हुआ। तो भाई सभी को फिर से गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करते हैं डे टू का व्लॉग फ्रॉम अयोध्या। तो चलो, और मस्त गाना बज रहा है यहाँ दोस्तों, चल के देखते हैं अभी हमारे फ्रेंड्स लोग क्या कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ हम उठ चुके हैं और ब्रश भी कर लिया मैंने। दोस्तों हम आ चुके हैं अयोध्या कैंट के प्लेटफॉर्म पे, और ट्रेन देख सकते हैं बाहर लगी हुई है। और चल के अभी हम लोग अंदर करेंगे ब्रेकफास्ट, तो वो दिखाएंगे। और भाई टाइम तो मिला नहीं, तो उसके बाद चल के शॉवर लेते हैं। और भाई थोड़ा सा अभी रेडी वेडी होना है, क्योंकि हम लोग को शरयू घाट की तरफ निकलना है ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं दोस्तों। चलिए सीट पे बैठते हैं और यहाँ हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा। 7 बज चुके हैं अभी, तो जो भी सर्व होता है दिखाते हैं आपको। भैया लोग देख सकते हो वहाँ पर सर्व कर रहे हैं, और अंदर डाइनिंग कार का माहौल भी काफ़ी बढ़िया सा है, देख सकते हो। अच्छा जी भैया अपना कटन वटन खोल दिए मस्त एकदम, इधर बैठते हैं। अभी हमें यहाँ सर्व हो रहा है प्लेट्स, और कर्ड है, पिकल है, और स्पून, साथ में अभी हमारे पास कॉर्नफ्लेक्स आएगा, कॉर्नफ्लेक्स ओरिजिनल केलॉग्स। दोस्तों नाश्ते का ऑप्शन है यहाँ पे, हमने कटलेट लिया है, कटलेट सर्व कर रहे हैं भैया। हाँ दे दीजिए पराठे, और कॉर्नफ्लेक्स भी दे दीजिएगा, ब्रेड भी दे दीजिए। हमें ब्राउन ब्रेड सर्व किया गया है, हमने गरम गरम कटलेट है, साथ में आलू का पराठा भी है, और सॉस लेते हैं, प्लस यहाँ बटर भी है। सॉस किधर है? सॉस नहीं, सॉस नहीं है, सॉस बटर से खाओ, सॉस है क्या? सॉस लस्सी दे दीजिएगा, और लस्सी ले लेते हैं हम लोग, लस्सी पी लेंगे काफ़ी फ्रेश रहेगा। तो चलिए, तो दोस्तों ब्रेड हमने ओपन कर लिया, अभी ब्रेड में बटर लगाएंगे, प्लस कटलेट भी टेस्ट करके देख लेते हैं कैसा है। एक नंबर लग रहा है, और आलू पराठा टेस्ट कर लेते हैं। ये भी काफ़ी टेस्टी है और गर्म है, प्लस यहाँ हमने कॉफ़ी लिया है साथ में एक्स्ट्रा मिल्क, कि थोड़ा सा कॉफ़ी का और अच्छे से स्वाद आए। और कॉर्नफ्लेक्स है यहाँ पे, दूध में मिलाएंगे उसको फिर खाएंगे, साथ में लस्सी ले लिया हमने। और चलो इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर शॉवर लेके हम लोग को घाट की तरफ भी निकलना है। तो बताओ कैसा लगा ब्रेकफास्ट भाई? टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी है भाई, डीलक्स ट्रेन है तो क्वालिटी तो अच्छी रहेगी ना। कैसा लगा ब्रेकफास्ट का भैया? बढ़िया, बहुत अच्छा है, बस सब पूरा पूरा ख़त्म करना जल्दी से गरम गरम। तो दोस्तों हम लोग अयोध्या पे ट्रेन डिबोर्ट कर चुके हैं, कुछ ही देर पहले हमने ब्रेकफास्ट किया, देन उसके बाद गए थे शावर लेने, बट लेट हो गया, तो चल के अब होटल में नहाएंगे। और अभी चलना पहले शरयू घाट, वहाँ के दर्शन करेंगे घाट के, जितने लोगों को वहाँ पे नहाना है नहाएंगे, जिसको कंफर्टेबल नहीं है भाई वो होटल जाके नहाएगा, तो हम लोग होटल चल के नहाएंगे। तो भाई ट्रेन डिबोर्ट कर चुके हैं और हमारे फ्रेंड लोग भी इधर हैं, तो
चलो आगे का माहौल दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अयोध्या कैंट रेलवे के बाहर से हमारी बसेस आ चुकी हैं, तो बसेस से हम लोग जाएंगे शरयू घाट और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा माहौल है। और परीक्षित भाई, शुभम भैया और देश भैया, अजीत भैया, सार्जी भैया, तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मस्त इंटीरियर देख सकते हो बस का भाई। यहाँ पे एसी लाइटिंग्स अलग से पंखे लगे हुए हैं और ऊपर लगे जिसके स्पेस से तो लगेज रख लेते हैं और सीट भाई काफ़ी कंफर्टेबल है। तो चलो यहाँ बैठते हैं भाई साहब। पार्क हो जाएगी, आगे बस अलाउड नहीं है, वहाँ पे रिक्शा अपने लगे हुए हैं, रिक्शा से बाकी का साइड से हम लोग करेंगे। तो पहले जाएंगे सरयू नदी, सरयू नदी स्नान करेंगे, स्नान करके वापस बस में बैठ के होटल जाएंगे। आप लोगों के होटल दो पार्ट में डिवाइड है, आधे लोगों की किसी और होटल में, आधे लोगों की किसी और होटल में। तो दोनों लोगों को होटल पे छोड़ के आप फ्रेशन अप होंगे, फ्रेशन अप होकर रेडी होंगे। 12 बजे हमारा लंच जो है वो रॉयल हेरिटेज में होटल है, बड़ा होटल है, वहाँ पे हमारा लंच। तो हम लोग सब लोग रेडी होंगे वहाँ पे। लंच करने के बाद डायरेक्टली राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के लिए प्रोसीड करेंगे। हनुमानगढ़ी राम मंदिर का दर्शन करके वापस बस में बैठ के 7 बजे से पहले पहले अपने लोगों को यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम लोग की बस निकल पड़ी है रेलवे स्टेशन से, सरयू तट पे जाएगी हमारी भी बस, वहाँ से हम लोग को उतरना है और घाट के पास जाके जिसको नहाना है स्नान करना वो स्नान करेगा, जिसको नहीं करना है भाई वहाँ पे दर्शन वर्शन करके उसके बाद हम लोग होटल की तरफ निकल जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट होटल अलॉट किया गया है तो वहाँ पे जाके हम लोग को फ्रेश फ्रेश होना है, नहाना है, जिसको वहाँ पे भी नहा सकता है। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, अभी बस में है भाई, इंजॉय कर रहे हैं, मतलब बाकी सारे क्रिएटर्स बैठे हैं। हाँ सारे क्रिएटर्स बैठे हैं, ठीक है भैया, शुभम भैया, सब लोग हैं, मज़ा आ रहा है एकदम। आज जर्नी का दूसरा दिन है और अभी शुरुआत हुआ है, बाकी अभी जो लेफ्ट डेज हैं एक एक ब्लॉग एक एक दिन का टोटल आएगा, तो ये हमारा दूसरा ब्लॉग है तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। वीडियो चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों यहाँ से एंट्री हो रही है टूर सरयू, यहाँ पर पूरा काम चल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। जो पूरी कथा है काफी अच्छे से बनाया गया, पिलर्स पिलर्स भाई, जय श्री राम, एकदम बढ़िया है, प्यारा नजारा है। तो घाट की तरफ चलते हैं तो दिखाते हैं। और ये एंट्री है यहाँ का भाई, देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। हम लोग भी टोटो पकड़ के निकल रहे हैं बस डिबोट करके टोटो से, तो चलो दिखाते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। तो दोस्तों बस डिबोट करके ऑटो लेके हम लोग आ चुके हैं घाट के पास और अभी जाएंगे सभी लोग यहाँ पे स्नान करेंगे शरयू घाट पे, उसके बाद हम लोग चलेंगे टूवर्ड्स होटल की तरफ, तो वो दिखाते हैं और चलते हमारा पूरा ग्रुप है तो घाट दिखाते हैं और उसके नज़ारे। और देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जितने भी टूरिस्टर हैं सब लोग जा रहे अभी घाट के दर्शन करने और स्नान करने। और भाई यहाँ का माहौल देख सकते हो घाट के किनारे का, और भाई ये देख सकते हो ये रहा ब्रिज और ये रहा रिवर। भाई यही सीन है, जिसको स्नान करना हो स्नान करेगा और हमें तो होटल जाके करना है, बाकी सब लोग यहाँ आए हैं दर्शन के लिए, दर्शन वर्शन करके हम लोग निकल। दोस्तों आपको यहाँ माला वाला देखने को मिल जाएगा, साथ में रेडी फेड जींस टॉयलेट भी है यहाँ पे घाट पे अवेलेबल है। दोस्तों ये नज़ारा देख सकते हैं, हम लोग घाट के पास आए हैं अभी और ये सब अभी काम चल रहा है, घाट अच्छे से बनाया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। तो देखो ये बढ़िया से घाट बना हुआ है, यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं देख सकते हो, यहाँ पे हमारे सारे लोग इतने लोग हैं, आके स्नान करेंगे अभी और फिर हम लोग होटल की तरफ निकलेंगे और होटल में हमारा लंच का भी अरेंजमेंट है, तो लंच वंच करने के बाद वहाँ पे हमें उसके बाद ले जाएगा राम मंदिर। तो चलो ये बहुत धूप है भाई, ऊपर देख सकते हो एकदम। दोस्तों आ चुके हैं घाट पे, नहाएंगे तो नहीं हम लोग लेकिन पानी को तो टच कर सकते हैं यहाँ से, तो
देख सकते हो काफ़ी बढ़िया पानी है। सर पे डाल लेते हैं, जय श्री राम। तो हो चुका है हमारा स्नान, प्रॉपर चल के होटल में नहाएंगे हम। दोस्तों देख सकते हैं सरयू नदी भी पूरी भरी हुई है। दर्शन वर्शन कर लिया हमने, अब यहाँ से हम लोग निकलने के लिए रेडी हैं। अरेरा ब्रिज इस साइड भी पूरा घाट है, सब लोग अपना दर्शन वर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया सा है, देख सकते हो। यहाँ पे भाई देख सकते हो रोड के किनारे किनारे रामायण के जो सारी चीज़ें हैं, एक एक पार्ट्स रामायण के, वो सब चीज़ जैसे हनुमान जी और सीता जी का यहाँ पे है, सारी चीज़ बनाए गए यहाँ। धर्मपथ इसे हम कहते हैं। और उस साइड है अयोध्या हाट, देख सकते हैं मुख्य मार्ग जो ये देख रहे हैं, इस मुख्य मार्ग के डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगे हैं। इसके बाद जो पाथवे है उस पर भी जो गैलरी गमले हैं पेड़ पौधों के, वो लगाए गए हैं जिस पर अयोध्या। और ये राम जी हनुमान जी को गले मिलते हुए रामायण संग्रहालय, जहाँ पर अयोध्या राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई जो प्राचीन जो उत्खनन में जो प्राप्त जो मूर्तियाँ और जो क्या बोलते हैं सबूत जो मिले थे वो रखे हुए हैं, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आपको देख रहे हैं सामने आगे अयोध्या हाट, यहाँ पर आपको संध्या काल में नाइट स्ट्रीट बहुत अच्छी सजती है, यहाँ पर आपको सस्ते और तरह तरह के जो स्ट्रीट फूड होते हैं वो खाने को मिल जाते हैं। रामप्रस्थ होटल यहाँ का प्रसिद्ध है। और इधर अब हम चल रहे हैं आगे धर्म चौक, यानी कि जहाँ से इस धर्म पथ का मार्ग का आरंभ होता है। और इधर देखिए चौड़ीकरण ऑलरेडी आरंभ हो चुका है, इस मार्ग को एक लेन और बढ़ाया जा रहा है दोनों साइड से, एक लाइन इधर और एक लाइन इस साइड में। तो ये चौड़ीकरण का कार्य भी यहाँ पर पुनः संचालित है। एक ऑलरेडी फोर लेन था, अब इसे दोस्तों हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं घाट से, और हम लोग जा रहे हैं अभी दोबारा बोर्ड करके बस से होटल, जाके वहाँ नहाएंगे, फिर नहाने के बाद लंच करेंगे, देन उसके बाद राम मंदिर। तो चलो सब लोग आके बैठ चुके हैं। और भैया लोग आके बैठ चुके हैं, तो चलते हैं बैठते हैं दोबारा से। तो दोस्तों अभी हमने बस डिवोट किया है और अपने होटल आ चुके हैं, होटल अवध क्लासियो। और अंदर अभी एंटर करेंगे तो रूम दिखाएंगे अपना। भाई साहब काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, पिज़्ज़ा हट वर्क पेंटालूंस और सारी चीज़ों का यहाँ पे शॉप भी है, लाइक मॉल है पूरा। और ऊपर होटल है भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हो। तो दोस्तों अभी हमने एंटर किया है और यहाँ पे हमें चेक करना है, हमारा होटल है, होटल का एंट्री है यहाँ पे, देख सकते हो। और क्या है, राम मंदिर में यूज़ हुआ हुआ जो पत्थर है, श्री राम 2023। और यहाँ पे हमारा चेक इन हो रहा है, तो चल के अंदर दिखाते हैं रूम्स, काफ़ी अच्छा सा इंटीरियर है भाई। तो चलिए दोस्तों होटल का इंटीरियर दिखा देते हैं। और ये रहा हमारा गैलरी, और हमें 306 रूम अलॉट किया गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है पोस्टर गंगा घाट जो नदी का है, सरयू घाट का। और ये बाहर का नज़ारा भाई साहब, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है, प्लस यहाँ पे और यहाँ पे भी अच्छा सा लगेज रख सकते हैं अपना, टॉवेल है, एक अलमारी दिया गया है, प्लस यहाँ पे एक मिरर है बढ़िया सा साफ़ सुथरा, और एक LCD TV, और यहाँ पे भी एक पोस्टर है। और ये देख सकते हैं लाइट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम बेस्ट भाई। और यहाँ पे ग्लास कप है, यहाँ पे टी और सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई आपको, कॉफ़ी सारी चीज़ें जो भी आपको अगर लेना है, वाटर बॉटल भी है और गर्म करने के लिए भी दिया गया है। यहाँ पे आपका जो भी खाना आप ऑर्डर कर सकते हो, होटल का अपना होटल अवध क्लासियो का वो है रेस्टोरेंट, प्लस यहाँ देख सकते हो सीटिंग एरिया है, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं, टेबल है, बैठ के चाय वाय पीना है चाहे जो भी करना है। बाहर का नज़ारा भाई यहाँ से देख लो, ओपन करोगे तो बाहर पूरा दिख जाएगा। अभी हम लोग बस से हैं, बस बाहर खड़ी है, नीचे मॉल है, ऊपर होटल है, पूरा विंडो से पूरा दिख रहा है। सरयू नदी का व्यू भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, देख लो वहाँ दूर पे है। प्लस बता दूँ इधर अच्छा सा लगेज स्पेस है, और यहाँ पे भी रीडिंग लाइट है ये, और डबल बेड है, काफ़ी बढ़िया सा कंफर्टेबल एकदम। और देख सकते हो इधर पूरा
फुली एसी रूम है, पंखा भी है साथ में, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वहाँ पे अपना लैंडलाइन भी है, कॉल करके बुला सकते हो अटेंडेंट को। और इधर टॉयलेट की बात कर लें तो भाई यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट है, प्लस बढ़िया से मिरर है, सोप डिस्पेंसर है, और यहाँ पे अपना नल। और इधर देख लेते हैं, शॉवर है बढ़िया सा, यहाँ पे प्राइवेट। और अपना रूम का व्यू लेना है तो भाई इसको हम बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं, अगर अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहा सकते हैं अंदर। ऐसा था काफ़ी बढ़िया भाई, 5 स्टार टाइप एकदम बढ़िया सा फ्रेश हो रहा है, और भैया लोग इंजॉय कर रहे हैं बढ़िया सा। क्या चीज़, हाँ हाँ और एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज भी है, प्राइवेट फ्रिज, प्लस एक और एक टेबल यहाँ पे अलग से बैठ के अपना काम वाम कर सकते हैं कुछ भी। तो काफ़ी बढ़िया सा है भाई, प्रिंटिंग भी बढ़िया है वॉल पे, और बढ़िया सा लुक आ रहा है एकदम। तो दोस्तों होटल आ चुके हैं और चलते हैं शॉवर ले लेते हैं, उसके बाद जब चलेंगे लंच करने तो वो दिखाएंगे, उससे पहले शॉवर लेके रेडी होके आते हैं। तो दोस्तों हम शॉवर लेके रेडी हो चुके हैं, कपड़ा वपड़ा पहन के, और होटल चेकआउट करने का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं। और लंच का टाइम हो रहा है तो बसेस से जाएंगे और लंच करते हैं, तो चल के वहाँ का माहौल दिखाते हैं और जो भी सर्व होगा सारी चीज़ें दिखाएंगे। और भैया भी रेडी हो चुके हैं लगभग, तो अभी निकलने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। दोस्तों हम लोग 30 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद बस से आ चुके हैं अपने रॉयल हेरिटेज होटल एंड रिजॉर्ट, यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे और इसके बाद जाएंगे रामलला का दर्शन करने राम मंदिर। और सब लोग देखो रेडी होकर आ चुका है, सारे यात्री हैं जितने लोग भी हैं, चलिए दोस्तों हम लोग लंच करेंगे और सारी यात्री यहाँ पे लंच कर रहे हैं। बैठ के बैठने का सिस्टम यहाँ पे देख सकते हैं, राइस है, दाल है, आइसक्रीम है, प्लस सारी चीज़ें लगाई गई हैं यहाँ पे, पापड़ है, प्लस इधर पुलाव है। और आगे चल के देख लेते हैं क्या क्या है, यहाँ पे मंचूरियन है, यहाँ पे सूखी सब्जी, पनीर की सब्जी, प्लस कर्ड है यहाँ पे, और पिकल है, और सैलेड है साथ में, इतना ही कुछ है। तो चलिए कर लेते हैं, सबको आराम से बैठा है, लंच कर रहे हैं, हम लोग भी प्लेट लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं, करते हैं, और भाई लोग के साथ हैं तो मज़ा आने वाला है। तो दिखा दिया जो भी था, यही सर्व होगा हमें, मतलब हमको खुद से खाना है बिकॉज ऑफ बूफे टाइप से। और काफ़ी बढ़िया सा इंटीरियर है भाई, सब देख सकते हो। तो दोस्तों हमने लंच यहाँ पे ले लिया है, सूखी सब्जी, मंचूरियन पनीर की सब्जी, नॉर्मल चावल, मंचूरियन चावल, प्लस चपाती, सैलेड और वाटर। तो पहले देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने अपना जो प्लेट है वो भर के ले लिया है, तो बिना तकिए के लेट ना आपको, और अगर करवट लेकर के लेट रहे हो तो तकिया लगाना है आपको। दोस्तों अभी हमने अभी यहाँ जस्ट लंच किया और हमारी बस रेडी है, राम मंदिर हम लोग जा रहे हैं अभी दर्शन करने। लंच की बात करें काफ़ी अच्छा था, और एक बोतल पानी भी ले लिया हमने, और साथ में जितने फ्रेंड्स लोग हैं सब लोग अपना वीडियो स्टूडियो ले रहे हैं, और चलते हैं बस बोर्ड करते हैं भाई। लंच की बात करें भाई एक नंबर मज़ा आ गया, चलो चलते हैं अंदर। और एक चीज़ बताना भैया कैसा लगा लंच? यार लंच मैंने दाल रोटी खाई थी और राइस सिर्फ, बहुत अच्छा लगा, बाकी मैंने ट्राई नहीं किया। आपको कैसा लगा? मेरे को तो मज़ा आया। चलो मंदिर, राम मंदिर जो उधर अंदर बना हुआ है, तो अभी यहाँ पे लॉकर में हमारा फ़ोन जमा होगा, यहाँ भी फ़ोन अलाउड नहीं है, कोई भी गैजेट गाड़ी तक अलाउ नहीं है, तो फ़ोन लॉकर में जमा करके जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। वीडियो तो भाई अंदर का दिखा नहीं सकते, सॉरी उसके लिए, बट उसके आगे की चीज़ें आपको दिखाएंगे, ट्रेन बोर्ड करेंगे, फिर जो चीज़ें हमारे साथ होंगी। काफ़ी अच्छा माहौल है भाई, यहाँ पर लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं दर्शन करने, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों लॉकर में अपना सामान जमा करके हम लोग निकलेंगे आगे दर्शन के लिए। और भाई काफ़ी गर्मी लग रही है, तो चलिए रख देते हैं अपना सामान। तो दोस्तों हमने चप्पलें उतार दिया है, रख दिया वहाँ पे, और सामने आपको देख सकते हैं लॉकर मिल जाएगा अपना, जो भी सामान है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या बैग वैग जो भी आप रख सकते हो वहाँ। तो चलो चलते हैं और वहाँ अपना मोबाइल वोबाइल सब जमा करते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आते हैं भाई। काफ़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पे देख सकते हो। तो राम जी का दर्शन करके आ चुके हैं भाई, काफ़ी खूबसूरत अंदर से मंदिर था, दिखा तो नहीं पाए बट मैंने देखा, और भाई दर्शन हो गए, यही मेरे लिए प्रभाग की बात है।
और अभी यहाँ से चलेंगे हम लोग, आगे का भी कुछ प्लान है तो वो भी दिखाते हैं, करते हैं। बस भी बोर्ड करना है 7 बजे, उससे जाना है रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ पहुँच के ट्रेन बोर्ड करनी है। तो जैसा दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हनुमानगढ़ी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों दर्शन करने, और यहाँ पे देख सकते हैं स्वीट्स का दुकान है, प्रसाद वरसाद जो भी चढ़ाना होता है। हम लोग लाइन में लगे हैं और जा रहे ऊपर दर्शन करने, चलते दिखाते हैं अंदर का, तब तक लाइन में हम लोग अभी। मंदिर में भी और राम मंदिर में भी अब हम लोग निकलेंगे टूवर्ड्स अपने ट्रेन की ओर, और पहले ऑटो लेंगे फिर ऑटो से जाएंगे ट्रेन की ओर। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और पहुंचते हैं जल्दी जल्दी ट्रेन में, वहां पे हमको इवनिंग में सूप और रात को डिनर सर्व होगा तो वो चीज़ दिखाएंगे। आज डे 2 एंड होगा भाई, थक गया काफ़ी, तो चलते हैं बाकी का एक्सपीरियंस बाहर में शेयर करेंगे। तो हम लोग जहाँ पे ट्रेन को सुबह डिबोट करके पूरा अयोध्या भ्रमण किए हैं, उसके बाद आ चुके हैं वापस अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे, और हम लोग बस से डिबोट कर रहे हैं और जाएंगे अभी ट्रेन बोर्ड करेंगे और डिनर करेंगे। बाय बाय भैया, थैंक यू फॉर सर्विस, बाय भैया। चलिए भैया मिलते हैं। ओके सर, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे सारे लोग जो भी बस से भी डिबोट किए सब लोग जा रहे हैं हमारे साथ वाले लोग ट्रेन के अंदर, लगेज लेकर के जा रहे हैं लोग, हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे बैग चेक हो रहा है अयोध्या रेलवे स्टेशन पे, और हमारी यहाँ ट्रेन में खड़ी, यहाँ पे ट्रेन खड़ी है और इसे भी हम बोर्ड करेंगे, बिकॉज पूरा भी अयोध्या हमने एक्सप्लोर किया मॉर्निंग से, जो भी हमें एक्सप्लोर कराएगा टूर में। वहाँ देख सकते हैं पीछे खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भारत गौरव, जो कि इसमें स्लीपर क्लास भी ऐड है, और ये हमारी भारत गौरव AC टूरिस्ट एक्सप्रेस। तो चलो एंटर करते हैं और दिखाते हैं। दोस्तों डे 2 है हमारा, आज हम लोग अयोध्या आए थे और लगभग एंड होने वाला है, दर्शन वर्शन हमने कर लिए सारे, हम लोग आए हैं ट्रेन बोर्ड किए हैं, कुछ ही देर में हमारी ट्रेन यहाँ से वाराणसी के लिए रवाना होगी। इससे पहले हमें लास्ट नाइट में डिनर सर्व किया जा रहा है, डिनर से पहले भैया यहाँ सूप लेकर के आए हैं, और AK भैया और सौरभ भैया इन्होंने सूप लिया है, हम तो नहीं लेंगे बिकॉज मेरे को सूप बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं है, तो भैया लोग अभी सूप लेंगे, उसके बाद डिनर सर्व होगा, तो डिनर दिखाएंगे और टेस्ट और क्वांटिटी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। भाई डीलक्स ट्रेन है यार, टूरिस्ट टायर सिटीज लग्जरी ट्रेन है, तो भाई इसका खाना तो नंबर होगा ही, टेस्ट की तो बात ही छोड़ दो, क्वालिटी क्वांटिटी भी अच्छी होती है, गर्म खाना भी रहता है। बस दिखाते हैं क्या हमें सर्व किया जा रहा है डे 2 में, और उसके बाद आज का पूरा रिव्यू बताएंगे। फूड सर्व हो रहा, फूड में देख सकते हैं ढाबे वाली दाल एकदम मस्त सी, पनीर है चाहिए, ये रही हमारी शाही पनीर, और थोड़ी सी रोटी और भिंडी भी थोड़ी सी भिंडी ले ली हमने, और उसके बाद थोड़ा सा चावल दे दीजिएगा। चावल दो भैया, हाँ हाँ
बस बस चावल दाल पनीर की सब्जी और ये हमें भिंडी की सब्जी मिल चुकी है। अभी रोटी सर्व होगा तो दिखाएंगे, उसके बाद वो टेस्ट करके बताएंगे। तो यहाँ पे हमें चपाती सर्व हो रहा है और दही मंगाते हैं फ्लेवर वाला, तो वो दिखाते हैं। एक चपाती ठीक है, पराठा ले जाइएगा। चल ही रहा था और भैया यहाँ पे फ्रूट से लेकर आ गए हैं। बनाना दे दीजिए, उसको रख ले। तो हमने फ्रूट्स में बनाना ले लिया और खाने के बाद हम लोग खाएंगे भाई। अच्छा सा सारी चीज़ें, तो चलो इसको टेस्ट करके बताओ। हिसार से ही है, और देखो मैं भी हरियाणा से हूँ, अंकल भी हिसार से हैं। बेटा गुड़गांव में है ना अभी, अंकल के बेटे से बात हुई, बहुत अच्छा लगा बात करके। और आपको कैसा लग रहा है अभी तक? अरे क्या कमाल है, मुझे जिंदगी में पहली बार देखी ये ट्रेन, आनंद लिए। क्या बात है, ये होता है ना पूरा मन लेके जैसे आया ना, आनंद लेके जाएंगे पूरा पूरे पैसे। कल मेरे साथ घूमो गया, कल आप साल में घूमेंगे थोड़ा सा, ठीक है जी? हाँ डन हो गया, कमाल। अगर भैया वीडियो देख रहे हैं तो बस ये देखो, जय हो, क्या बात है। तो चलो भाई खाना पीना खाते हैं, ऐसे यही सब लोग मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है यार। सुनिए टेस्ट करके बताते हैं खाना कैसा है। पहले दाल टेस्ट कर लेते हैं, ये होता है उल्टे सब एक नंबर, गरम है खाना एकदम। शाही पनीर ये भी बहुत अच्छा है, स्वीट्स में गुलाब जामुन है, ये खाने के बाद खाएंगे। और बनाना भी है दही भी है, चपाती और पराठे भी हैं। तो इसको खाने के बाद हम लोग आपको बताएंगे कि टेस्ट और में कैसा था। और साथ में देख सकते हो यहाँ पे सूखी सब्जी भी है भिंडी की। कैसे दिखा रहा है मेरे को, देखो उधर देखो भाई। अरे अयोध्या से हम लोग निकल चुके हैं और अगला हॉल्ट हम लोग का कल मॉर्निंग में है वाराणसी। अयोध्या कैंट से डिपार्चर कर रही है और अब हम कल पहुंचेंगे सीधे बनारस। दोस्तों हमारे जर्नी का दूसरा दिन काफ़ी बेहतरीन रहा, क्योंकि आज हम लोग अयोध्या में दर्शन किए और सुबह से जितना कुछ भी हुआ ट्रेन के अंदर वो चीज़ दिखाएं, बाहर गए थे होटल में सारी चीज़ें आपको दिखाएं एंड, और काफ़ी बढ़िया सा माहौल था भाई। और बता दें कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग वाराणसी में होंगे, टेम्पल्स पे दर्शन करने हैं और घाट्स भी घूमने और भी कई जगह लोकेशन विजिट करने, तो वो सब चीज़ कल देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज का जो एपिसोड है आज यहीं एंड करते हैं डे टू का वीडियो। और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को भेजो ये वीडियो, क्योंकि भाई डीलक्स ट्रेन की जर्नीज बहुत कम आती है मेरे चैनल पे, पहली जर्नी है हमारी डीलक्स ट्रेन की। और बता दूँ कमेंट करके बताओ कैसा लगा, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना ऐसे। Thank you.